गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप जान रहे हैं कि इस क्लास को आप सुबह 8 बजे देखेंगे, है ना। तो सुबह आपका 8 बज चुका है और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार आप देखते हैं कक्षा 10 NCERT गणित। जी हाँ बिल्कुल। क्या आप जानते हैं, कुछ अच्छे विचार और कुछ अच्छी लाइनें और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग जो भले ही पुराने हो जाएं लेकिन उनकी कीमत कभी कम नहीं होती है। जैसे एक दो लाइनें जो मैं आपको हर दिन बोलता हूँ, तेरे गिरने में हार नहीं तो इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग क्योंकि जीत असीमित है इसका कोई सार नहीं। उसी प्रकार से घर बैठी जगत जननी माँ पूरी कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाए रहेंगे तो उनके लिए बेटे ही ना, तो इन सभी चीज का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है चलिए चलते हैं, ये सब तो बात बात की है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीन्स होता है एरिया, 528 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर आप जानते हैं क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है एरिया होता है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणा करके प्राप्त किया जाता है। पहले सवाल समझेंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो वरना कर नहीं पाएंगे। कह रहा कि क्षेत्रफल की लंबाई जो कि शॉर्टकट में लिख दिया गया ब्रैकेट में कि मीटर में है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्या है, जो क्षेत्रफल की लंबाई है वो उसके चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो कह रहा कि भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ये भला हम कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देखेंगे कह क्या रहा है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड, आयताकार मतलब जो आयत के आकार का हो, भूखंड का मतलब जानते हैं आपने सुना होगा खंडहर। खंडहर मतलब क्या होता है, जहां पर पहले कोई मकान रहा हो और वो टूट फूट गया हो तो खंडहर बन जाता है, है ना। तो ये खंडहर जो होता है उसी तरह से आप मान लीजिए भूखंड, भूखंड मतलब कहने का मतलब खंडहर से संबंध नहीं है, यानी एक भूमि का टुकड़ा या एक खेत, ठीक आयतक के आकार का है। उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई निकालना है। इसमें कहीं लंबाई चौड़ाई के बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 दी गई है, ऐसा कुछ है नहीं, क्षेत्रफल दिया गया है। आप मान लेंगे पहले क्या मानेंगे, कह रहा लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। भाई चौड़ाई पर लंबाई डिपेंड है, क्यों, फिर से देखो, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है मतलब पहले चौड़ाई पता होना चाहिए। जैसे कहा जाए कि मोहन रमन का बेटा है, तो ये बताइए पहले रमन आया कि पहले मोहन, मोहन रमन का बेटा है, इसका मतलब रमन पहले आया ना, ये नहीं पहले मोहन आ गया। तो बस उसी तरह पहले क्या निकालेंगे आप, पहले आप निकालेंगे चौड़ाई। आप मान लेंगे इधर साइड आधा हल करेंगे आधा उधर, माना आयत की चौड़ाई इक्वल यक्स मीटर, मतलब ये क्या हो गया भाई यक्स मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी यक्स मीटर। हमने मान लिया जब चौड़ाई आ गई तो लंबाई तो मिल गई ना आपको तुरंत, कैसे मिल गई ये देखो, इधर कह रहा था लंबाई जो है इधर से देखो ना, यहां से मैं दिखा देता हूं इसको रेड कलर से, क्षेत्रफल की लंबाई यानी मीटर में चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है, तो लंबाई बराबर क्या होगा, अतः लंबाई कल चौड़ाई का दो गुना यानी 2x एक अधिक प्लस 1, ये हो गई लंबाई और चौड़ाई। अब क्षेत्रफल में होता ही क्या है, लंबाई चौड़ाई आ गई तो क्षेत्रफल निकाल लो, और क्षेत्रफल आपका ये संयोग बस दिया गया है। अब आप लिखोगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, ना बाबा ऐसे नहीं होता है, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, क्या बताया था क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर बताया था, ये फार्मूला तो सही है, हमने आपको बताया था क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लंबाई और चौड़ाई का सदा गुणा करते हैं, परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ते हैं, तो ये लंबाई और चौड़ाई हो गया क्षेत्रफल। बस इसी में मान रखना है, रख दो जल्दी से मान बता दो फटाफट किसका पहले आता है, और हमारी आवाज आपको थोड़ा लो लग रही होगी क्योंकि इस समय ना बताऊं, मैं आपको बताना नहीं चाहिए, रोज रोज बताते हैं आप लोग कहते होंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है इस वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो आ गया कितना आया, चले आगे देखिए, कुछ लोग पूछते हैं इसलिए, देखिए 2:06 हो रहा है आज, उस दिन 7 मिनट हो रहा था ना जी, तो ये बहुत फुर्सत में क्लास रिकॉर्ड हो रही। लंबाई क्या है 2x प्लस 1, चौड़ाई क्या है x, गुणा कर लो, लेकिन ध्यान रखना
क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया था, तो इसको इधर साइड रख लेना, भूलना मत। अभी ये 528 और ये 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2x² + x है ना। अब आपका एक ये बन जा रहा, क्या बन जा रहा, ये आपका एक गुणन का वो क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बन रहा है। इधर साइड ले आओगे इसको पूरा पूरा, तो 2x² + x बराबर 528 उधर जाएगा, सभी प्लस प्लस में जाएंगे क्योंकि आपस में इनका बदलाव हो रहा है, तो फिर 528 इधर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा इक्वल 0। अब आपको इसी का क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा और वही आप लोगों के लिए सबसे सुटेबल रहेगा। समझ गए ना, तो जल्दी से बताओ, तुरंत तुरंत बताओ क्या होगा। गुणा करने पर 528 आए, घटाने पर 1 आए। देखिए आज कैमरा बहुत मस्त लगा है, कहते हैं ना कि बुद्धि का विकास हो जाता है धीरे धीरे, है ना। आज पूरा सब दिख रहा है एकदम क्लियर, एक बार में पूरा बोर्ड में दिख रहा है। तो हमें इसका 2 मूल निकालना है, और 2 मूल आ जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। गुणा करने पर बाद वाला पद आए, मतलब 528, घटाने पर आए x। तो चलो इधर कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, ये लो। क्या करेंगे क्या करेंगे, देखिए दो गिनती ऐसे लीजिए जिसका गुणा करें तो 528 आए और घटाए तो 1 आए। करने को तो मैं कर दूं इसको बहुत आसानी से, लेकिन कुछ लोगों के दिल में ये सवाल होगा कि ये जान कैसे जाते हैं, है ना। मैं आपको बता दूं जानने का तरीका क्या होता है, जिंदगी में अनुभव से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो ये अनुभव हो जाता है पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस का, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए इसको मैं लगा के तो आपको बताऊंगा अच्छे से। 32 और 33, देखिए 33 - 32 इंटू यक्स माइनस 528। 32 को 33 यानी इनको घटाओगे आपस में तो 1 आएगा, चूंकि यक्स का गुणांक 1 है इसलिए 1 इसको मतलब तोड़ा जाएगा। अभी आपको बताऊंगा इसका जो गुणांक होता है वो बीच वाला पद है, हमने इसी को तोड़ा है, इसकी जगह पे 32 माइनस ये लिखा है, मतलब 33 - 32। यक्स को ऐसे लिख दिया था माइनस, ऐसे 528 ऐसे, इसको हल करके लिख देंगे 2x² - ये 33x प्लस है ना माइनस 32x - 528। इसमें दोनों में कॉमन निकालोगे आप, ध्यान दीजिए ये सम विषम संख्याएं हैं, कभी 2 कॉमन नहीं हो सकता, केवल x कॉमन होगा अकेले। तो ये 2x + 33 बचेगा, इसमें माइनस 32 कॉमन होगा। तो आंख बंद करके अगर ये आपने ऊपर सही किया ना, तो यहाँ कोई भी चीजें कॉमन लेके आंख बंद करके वही लिख दो जो इसमें आया है, क्योंकि वही आएगा, बराबर आएगा हर टाइम। तो ये x प्लस ये 33 आएगा, आपको 32 से इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 32, हमने पहले कॉमन वाला लिख दिया इस x को, इस माइनस 32 को, और ये 2x + 35। लेकिन हमें करना क्या था, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी, मतलब मुझे x का मान चाहिए। तो भाई एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, सिंपल सी बात है। कभी भी आयत की या भूखंड की लंबाई या चौड़ाई माइनस में तो होगी नहीं, कि भाई हमारे एक खेत है जिसकी लंबाई -20 मीटर है, माइनस में कभी नहीं होता है ये सब, माइनस का मान छोड़ दिया जाता है। तो जब आप दोनों को बराबर करोगे जीरो के ना, तो यहाँ से x माइनस 32 बराबर जीरो करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 32 आएगा। हाँ इतना नहीं आएगा, इसमें x का मान इसको निकालोगे तो 33/2 भी आएगा, लेकिन उसको छोड़ दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो निगेटिव आएगा, पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। तो ये बहुत सी बातें होती है, समझ गए। तो ये थी इतनी छोटी सी बात, अब हम लोग आगे चलेंगे। ये 32 मान हमें मिल चुका है, आप लोग समझ चुके हैं। अगर कोई दिक्कत है आपको तो निसंकोच आप बोल सकते हैं, छाप लीजिए जल्दी से, हो गया ना क्लियर। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, x का मान आ गया, इसका मतलब हमारा आधा उत्तर आ चुका है। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा के आपको आगे बढ़ाता हूँ। उत्तर तो आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा, बट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे, देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपने कॉमन निकाला ना, मैंने 32 लिख दिया ना, अगर आप 32 कॉमन निकालोगे तो इसके बराबर नहीं बचेगा, यहाँ पे आप 16 कॉमन लेंगे, बस इतना ही थोड़ा सा गड़बड़ है,
ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिए, माफी चाहते हैं इसके लिए। ये जानते हैं ज्यादा रात हो जाती है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है, बस कॉमन में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था। माइनस 16 कॉमन लोगे आप तो यहाँ पे 32 नहीं आएगा, केवल 16 आएगा, और x का मान ये 16 आएगा, 32 नहीं आएगा। समझ गए ना, बस बाकी और सब कुछ सही है, कोई डिफरेंस दिक्कत नहीं है। देखिए हमने तो इसको लिख लिया यहाँ कॉमन के रूप में, जो 32 निकाल लिया था इसी के आधार पे कि उतने आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप 16 निकालोगे तो 33 आएगा, और बस हो गया 2x+33। तो x का मान 16 आ गया, यानी कि आपकी चौड़ाई आ गई 16, क्योंकि हमने चौड़ाई माना था, तो चौड़ाई 16 आ गई, तो आप लंबाई निकाल सकते हो। हो गया ना, अब लिख लीजिए, चूंकि x बराबर 16 आया है अतः चौड़ाई, अब आप इसे अलग से लिखोगे, x बराबर 16 मीटर, लंबाई क्या थी 2x+1 थी ना यहाँ, तो रख दो ये 16+1, तो ये 32+1 33 मीटर। कोई दिक्कत एंड कंफ्यूजन हो तो बोल दीजिएगा, 32 और 33 मीटर आ गया। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, अगला क्वेश्चन पे चलिए तुरंत, भागिएगा मत, अभी और भी है। देखिए दोस्तों, इसका जो बड़ा वाला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, उसको तो हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, 12 नंबर नहीं 13 नंबर, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आप जानते हैं काफ़ी ओवर हो चुका है, तो मैं इसमें इसको नहीं करने वाला हूँ। आपको 4B का ही क्वेश्चन दिखा दूंगा इसमें अगले अभ्यास का, वैसे तो आप अगला अभ्यास अगली क्लास में देखोगे, लेकिन इसमें हम एक क्वेश्चन इसमें आपको करवा देंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 4B का, ये तीसरा सवाल, कक्षा 10 NCERT गणित, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन। क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, और ये -1 है, चर एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ, 8 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल 0, यहाँ से आप x -9=0 पाओगे, x बराबर इसको उधर ले जाओगे 9 हो गया, x2 = 100, और ये हो जाएगा 9, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x2 -1=8 एंड x = ±3। ओके क्लियर, तो ये आपकी क्लास यहीं तक। आप सभी लोग आपके अपने दूसरे YouTube चैनल मैथ आसान है को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप इस क्लास को PBR स्टडी पर देख रहे हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ आसान है और PBR स्टडी ये आपके दोनों सहयोगी चैनल हैं, तो इन दोनों को याद रखें। निःशुल्क पढ़ाई एवं अन्य स्टडी मटेरियल के लिए विजिट करना ना भूलें आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट pbrsongs.com, pbrstudy.com, pbrsongs.com आपकी भी एक वेबसाइट, वो भी है, बट आप लोग दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, ये आपके स्टडी के लिए, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए। और हाँ, अगर आप कंप्लीट मैथ का कोर्स चाहते हैं क्लास 10th का, तो इस नंबर पर ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप करें और आप देख सकते हैं। देखिए अभी तक हमने फैन को ऑफ कर दिया था, पंखे को, तो इस वजह से आपकी आवाज़ थोड़ा सा अच्छी मिल रही होगी, लेकिन बाहर बहुत गर्मी लग रही है यहाँ, ठीक है, तो गर्मी को देखते हुए मैंने फिर से चला लिया है। चलते हैं फिर, अगली क्लास आपकी फिर इसी टाइम पे होगी, कल के दिन मिलते हैं अगले सवाल के साथ, 13 नंबर सवाल देखेंगे, जिसमें कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। ये सवाल देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, घर बैठे आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। चलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम। इन्हीं बातों के साथ अगली क्लास के लिए इंतजार करिएगा, जीरो लेवल बेसिक मैथ प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से। थैंक यू।